मंथन, माय नेम इज रचना सिंह। और दोस्तों आज हम यहाँ पर एसएससी का जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो मैथ्स से रिलेटेड है, और जो उससे टॉपिक उठाने वाले हैं वो है ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति। इससे रिलेटेड एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली अगर ज्योमेट्रिक में देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपकी लाइन हो गई, एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, चतुर्भुज हो गया, बहुभुज हो गया, पॉलीगॉन्स हो गए जिसे कहा जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों लैंग्वेजेस में इसको कवर करने की कोशिश करें ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लाइन से रिलेटेड, जिसे रेखा कहा जाता है। लाइन से रिलेटेड हम कुछ चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन होती है, आपको ध्यान में रखना है, जो लाइन्स होती हैं, अगर आपको कहा जाए कि एक लाइन है तो याद रखिए लाइन का पॉइंट डिसाइडेड नहीं होता। आप एरो में यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है एरो दिया, यानी ये आगे भी बढ़ते जाएगा और इसका एंड भी क्या करते रहेगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो इसे कहा जाता है लाइन, पर्टिकुलर ऐसा जिसका पॉइंट डिसाइडेड नहीं होता वो लाइन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, जब आपको डिसाइड हो कि दो पॉइंट पहले से डिसाइड हो और उनके बीच की पर्टिकुलर दूरी भी आपको पता हो तो वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए दो पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, और अगर आपको दो पॉइंट के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता हो तो वो आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद देखते हैं रेस। अब ये रेस क्या होता है, इससे पहले आपने देखा इसके दोनों एंड जो है इन्फिनाइट यानी अनंत तक गए हैं, इसमें दोनों पॉइंट फाइनाइट है यानी आपको पता है। अब इसमें रेस में क्या होता है, एक पॉइंट आपको पता होता है, दूसरा पॉइंट इन्फिनाइट तक जाता है। जस्ट एग्जांपल, एक सूरज की किरणें है, सूरज एक डिसाइडेड है कि वो पर्टिकुलर कहाँ है, तो वो हो गया एक पॉइंट, वो है क्या फाइनाइट पॉइंट, आपको पता है। लेकिन उसकी किरणें अनंत तक जा रही हैं तो वो आपको नहीं पता है, इसलिए हम क्या कहते हैं सूरज की किरणें, इस किरणों को कहा जाता है रेस। तो याद रखिएगा इसका नाम रेस से रिलेटेड होगा, जिसका एक पॉइंट डिसाइडेड होता है और दूसरा पॉइंट डिसाइडेड नहीं होता, जो कि अनंत तक जाता है। ये हुए लाइन्स, लाइन सेगमेंट और रेस। आप देखते हैं लाइन से रिलेटेड कितने टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेते हैं पैरेलल लाइन, जिसे हम हिंदी में समांतर रेखा कहती हैं। समांतर रेखा होती क्या है, ऐसी दो लाइन जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग यानी उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पर ले लिया है लाइन एल और दूसरा ले लिया है लाइन एम। अगर इन दोनों के बीच की दूरी हर एक पॉइंट पे समान है, यानी यहाँ मैंने कंसीडर किया तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से भी कंसीडर किया तो 6 सेंटीमीटर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो लाइन एल है इस पैरेलल टू लाइन एम। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे एक रेल की पटरी होती है, तो दोनों पटरियां क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा वो होती है ऐसी दो लाइन जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, वो कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन। यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसी रखी जाती है जिससे वो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, ये पॉइंट यहाँ पर ले लेती हूँ बी, और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेती हूँ सी, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी क्या बोलते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और इसके बाजू वाला भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। क्योंकि अगर रेखा की बात की जाए तो रेखा जो होती है ओवरऑल कितनी की होती है, 180 डिग्री की होती है, तो अगर ये 90 हुआ तो बाजू वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एंगल ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हुआ पैरेलल यानी समांतर रेखा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा। अब इसके बाद देखते हैं अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखा जाती है, मतलब उसका केंद्र एक ही है और उससे बहुत सारी रेखा जाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। और यहां मैंने जब बताया था कि दो पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है, तो जब एक ही पॉइंट पे यानी एक ही बिंदु पे बहुत सारी रेखा गुजरे तो उसे हम क्या कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। इसके बाद होता है
इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना। तो जब दो रेखाएं, सिर्फ और सिर्फ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेदित करती है तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं एंगल, बट उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो ये फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन थे या फिर ज्यामिति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा यूक्लिड, जो कि कहाँ के थे? यूनान के थे। अब इससे पहले हम देखते हैं एंगल, एंगल होता क्या है? याद रखिएगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे को काटती है तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंगल कितने कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। फर्स्ट हम जो ले रहे हैं अक्यूट एंगल, इसको हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। न्यून कोण से मतलब ही समझ में आ रहा है कि छोटा, न्यून मतलब छोटा कोण। तो वैसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम, यानी 0 से लेके वो 89 तक हो सकता है, बट 90 से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ये से कहा जाता है समकोण। समकोण मतलब जिसका कोण 90 हो। इसमें हमने क्या लिखा है? इसका मान जो है थीटा का मान 90 से कम है, और इसमें क्या लिखा कि इसका मान क्या है? 90। ठीक है, ये समकोण कहलाता है। इसके बाद देखते हैं ऑक्टस एंगल। ऑक्टस एंगल में क्या है? अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम होना चाहिए। तो इसका मान कैसे होगा? 90 डिग्री ये आपको यहां तक हुआ, इससे ज्यादा हो बट क्या हो? 180 से क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस लाइन की इस साइड रहेगी और इससे पहले तक रहेगी, तो इसे क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। इसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। याद रखिएगा कि सीधी रेखा जो होती है उसका बनने वाला कोण कितना होता है? 180। आप चाहे कोई से भी पॉइंट से ले लो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 180 ही होता है। ये हुई 180 की बात। लेकिन उसके बाद पांचवा देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को कहा जाता है बृहत कोण। इसका मतलब क्या होता है? बाहर का कोण, जो कि हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रहा हम लोग का ए, ये रहा पॉइंट बी और ये पॉइंट रहा ओ, ये कोई फाई एंगल है। इसके बाहर का कोण जो कि हमेशा कैसा होना चाहिए? 180 से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। और 360 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। या फिर आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी 360 ना हो कि 360 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो वो कोण कैसे कहलाता है? ब्रिज कोण। काफी अधिक भी होता है, ये दिख रहा है बाहर वाला कोण आपको दिख रहा होगा। इसके बाद लास्ट होता है सिक्स नंबर पॉइंट एंगल। याद रखिएगा अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पॉइंट का कितना एंगल होता है तो ध्यान रखिए कि वो हमेशा कितना होता है? 360। बट कैसे होता है? मान लीजिए मैं पॉइंट में यहां से स्टार्ट करती हूँ चलना, तो उसके बाद ये घूम के फिर से कहाँ आ जाएगा? वही, यानी एक पॉइंट का मेंशन करता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट का कितना एंगल होता है तो याद रखिएगा वो हमेशा कितना होता है? 360। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं एंगल के कुछ टाइप, एंगल या फिर कोण के कुछ प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर एंगल को हिंदी में कहा जाता है अर्थक कोण। अब ये होता क्या है? याद रखिएगा बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। अर्थक का मतलब, अर्थ मतलब आधा, यानी दो बराबर बराबर आधे आधे कोण में बांटना। मैंने मान लीजिए कि एक कोण बनाया है ए ओ बी, ये एक कोण है। इसमें से ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये क्या कर रही है? इस कोण को, ये पूरे कोण को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है, कोण ए और कोण टू में। इस जो इस लाइन को कहा जाता है, इस लाइन जो इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, इस लाइन को ही कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला कोण ले लिया वन और दूसरा कोण क्या ले लिया? टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल गया कि कोण ए बराबर कोण टू होगा। इसके बाद इस लाइन पे मैंने कहीं भी, यानी एंगल बाइसेक्टर पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया के, इस के से ओ ए पर
पर एक लंब रेखा खींचा 90 डिग्री वाला जो है, और वहां पर क्या कर दिया, जहां पर ये कट कर रहा है उसका एक नाम दे दिया M, और इसी के पॉइंट से दूसरी रेखा ओ बी पर एक लंब खींचा 90 डिग्री, और वहां पर जहां पर कट कर रहा है उसका नाम दे दिया M। इसका मतलब आपको दो रेखा मिल गई जो कि लंबवत है, पहली क्या है के एम और दूसरी क्या है के एम। तो याद रखिएगा एंगल बाइसेक्टर से किसी भी पॉइंट से उन दोनों सम्मुख भुजाओं पर अगर लंब खींचा जाए तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा अपना के एम बराबर क्या हो जाएगा के एम, और ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है लंब खींचा है। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहा जाता है पूरक कोण या फिर कोटी पूरक कोण भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है याद रखिएगा, ये भी बाइसेक्टर की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। कोई भी मान लीजिए कोण है, याद रखिए कि ये जो पूरा कोण होना चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी समझ सकते हैं आप कि समकोण त्रिभुज का अगर बाइसेक्ट किया जाए तो जो दो कोण बनेंगे उनका अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे पूरक कोण। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि पूरा ओवरऑल कितना है 90 डिग्री, उसको कहीं से भी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर सकते कि एक रेखा खींची जाए जो कि उसको दो कोणों में विभाजित कर रही है। जरूरी नहीं कि ये दोनों कोण क्या हो हमेशा बराबर हो, अगर ये बाइसेक्टर है तभी कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, बट अभी यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया एक लाइन खींचा गया जिससे ये क्या कर रहा है दो कोणों में विभाजित कर रहा है। ये कितने और कितने ये हमें नहीं पता, बट मैंने पहले को दे दिया है थीटा वन और दूसरे को दे दिया है थीटा टू। अगर मैं थीटा वन और थीटा टू को जोड़ूंगी तो वो क्या आएगा 90 आएगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि दो कोण जिनको विभाजित करती है एक रेखा, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 90 आए तो वो क्या कहलाता है पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसको कहा जाता है हिंदी में संपूरक कोण। इस कोण के लिए क्या होता है एक रेखा पे, एक रेखा का कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इस रेखा में कहीं भी एक रेखा खींची जाए, हो सकता है वो लंबवत हो 90 डिग्री हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा कोण भी बनाए, या बाइसेक्ट यानी उसको कहीं से भी इंटरसेक्ट करे यानी काटे। तो मैंने मान लिया कि ये रेखा यहाँ पर ओ पे इसको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उसको काट रही है, तो दो कोण बनेंगे एक इस साइड राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो मैंने नाम दे दिया थीटा वन और थीटा टू। अगर मैं थीटा वन और थीटा टू को जोड़ू और वो कितना है 180 है, क्यों, क्योंकि ये पूरी रेखा का कोण कितना होता है 180 अंश का होता है, तो अगर थीटा वन और थीटा टू को जोड़ने पर वो 180 आता है तो ये कौन सा कोण कहलाता है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल।